कि सर ये हमारा टीपीएन असेंबल हो रहा है जी, ठीक है ना, किस तरह से पाउडर कोटिंग का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है इसमें। बिल्कुल भी कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है सर। ये भैया फिट कर रहे हैं एमसी बॉक्स को, तो हम जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारे पास 7 तरह के मॉडल्स हैं जो हम एमसी बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है। सारे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल है, सबके डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज हैं जी। इस वाले मॉडल को हमने रॉयल गोल्ड नाम दिया है। इसकी खासियत क्या होती है सर, इसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ है, ये दोनों मैग्नेट लगा हुआ है, मैग्नेट से ही डोर बंद होता है हमारा। हमारा ये सबसे बेसिक मॉडल होता है, ये हमारा 170 रुपीज से स्टार्ट होता है। ओके, 170 रुपीज से स्टार्ट होता है, सबसे बेसिक मॉडल है। एंड सबसे बात, ये पूरी दिल्ली के अंदर आपको सिर्फ हमारे पास ही अवेलेबल मिलेगा। ये डिफरेंट टाइप्स की कोटिंग होती है, सिनेरियो बना हुआ है। पाउडर कोटिंग होने के बाद क्या हो जाता है, हम इसको यहाँ पे आराम से इसको रख लेते हैं पीस को, देख लीजिए आप देख पा रहे हैं पाउडर कोटिंग होने के बाद रखा हुआ है सर। तो इस तरह इसकी पंचिंग होती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये आप लोग देख पा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफी सेफेस्ट तरीके से पंचिंग किया जाता है इसको, बहुत बढ़िया। दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपको लेकर चुका हूँ श्रीमा इंडस्ट्री में, और दोस्तों यहाँ से आपको आज देखने मिलेंगे इलेक्ट्रिकल आइटम सीधे फैक्ट्री रेटों पे। और दोस्तों जहाँ हम आए हैं दोस्तों, ये एक तरह से फैक्ट्री है जहाँ पे बनते हैं एनसीबी बॉक्स, कंसील बॉक्स, फैंग बॉक्स, ये सब वैरायटी आपको फैक्ट्री रेटों में मिलने वाली है। और काफ़ी बड़ा ये फैक्ट्री है, आपको हम दिखाने वाला है किस तरह यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, असेंबल होती है और उसकी डिस्पोजिंग होती है। तो चलिए यहाँ पे मिलते हैं मनोज सर से। तो कैसे आप? बढ़िया सर, आप बताइए कैसे? बहुत बढ़िया सर, बताइए कि आप लोग यहाँ पे किस पर डील करते हैं और क्या बनता है यहाँ फैक्ट्री? सर मेरी फर्म का नाम श्रीमा इंडस्ट्री है, नाम मेरा मनोज शर्मा है। okay. और यहाँ पे हम लोग आपको दिखाएंगे एमसी बॉक्स का पूरा प्रोसेस, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है एमसी बॉक्स हमारी फैक्ट्री के अंदर। पूरा प्रॉपर आपको हम आपको दिखाएंगे पाउडर कोटिंग कैसे होती है, मॉड्यूलर बॉक्स, फैन बॉक्स, कंसील बॉक्स हमारी फैक्ट्री के अंदर यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है। चार चीज की आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो सर जिसको बिजनेस करना है उनके लिए क्या बोल जाएंगे? सर मिनिमम ऑर्डर क्या है 25,000 रुपए का रहेगा हमारा। ओके, 25,000 रुपए का स्टार्टिंग मिनिमम ऑर्डर रहेगा, उसके बाद आप होलसेल हमारे से कर सकते हैं सर। भाई कोई यहाँ पे आके खुद लेता है उनके लिए? सर मिनिमम ऑर्डर 10,000 रुपए रह सकता है उनके लिए, अगर कोई खुद आके यहाँ पे परचेज करना चाहता है सर। तो दोस्तों एक तरह से इनकी कंपनी दिल्ली में स्थित है, तो आप आके खुद परचेज कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं किस तरह क्वालिटी है, कैसा यहाँ प्रोसेस होती है और असेंबल होती है। तो इस वीडियो में आपको प्रॉपर यहाँ पे प्रोसेसिंग देखने मिलेगा एनसीबी बॉक्स का, कंसील बॉक्स का। तो आप लोग बने रहिए, यहाँ पे आपको दिखाना शुरू करते हैं। दोस्तों ये इनकी फैक्ट्री है जहाँ दोस्तों आपको हम दिखाने वाले हैं एनसीबी बॉक्स किस तरह प्रोसेसिंग होती है। दोस्तों बताइए यहाँ पे किस तरह काम होता है यहाँ पे? सर ये हमारा रॉ मटेरियल होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा रॉ मटेरियल लेता है, सीआरसी सीट होती है, प्राइम की सीट होती है। ये वाला मटेरियल अब हमारा मशीनों के ऊपर आ जाता है। अच्छा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं रॉ मटेरियल हमारा मशीनों के ऊपर आ जाता है। ये हमारा प्रोसेसिंग होता है डाइयों के ऊपर सर। अच्छा, ये पंचिंग होता है कैसे, रॉ मटेरियल हमारा पंचिंग हो रहा है यहाँ पे, ये हमारा चैनल होता है जिसके ऊपर एनसीबी लगाई जाती है। अच्छा, ये डाइयों के ऊपर प्रोसेस आ जाता है सर। तो ये अभी बन के रेडी हुआ है इस मशीन के द्वारा, यहाँ पे इस तरह प्रोसेसिंग होती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यहाँ पे हो रहा है। हाँ जी, यही दूसरा प्रोसेस होता है एमसी बॉक्स का, यहाँ पे इसको पंचिंग किया जाता है एमसी बॉक्स को। देखिए तो इस तरह इसकी पंचिंग होती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये आप लोग देख पा रहे हैं, बिल्कुल जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफी सेफेस्ट तरीके से पंचिंग किया जाता है इसको, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं किस तरह इसकी पंचिंग होती है, पंचिंग के जरिए होती है, आप देख पा रहे हैं। पंचिंग होने के बाद हमारा ये शेप आ जाता है इसका, जैसा कि आप देख पा रहे हैं शेप एमसी बॉक्स का पंचिंग होने के बाद आ जाता है। तो ये शेप आ चुके हैं। हाँ जी हाँ जी, पंचिंग होने के बाद ये शेप आ जाता है, बहुत बढ़िया। देन उसके बाद बेस को क्या होता है, ये आप देख पा रहे हैं जैसे कि स्पॉट वेल्डिंग होता है। अच्छा, यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग किया जाता है इसको, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये स्पॉट वेल्डिंग हो रहा है। ये देखिए, तो यहाँ पर उसको वेल्डिंग का काम हो रहा है। हाँ जी हाँ जी, आप लोग देख पा रहे हैं ये। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो स्टेप बाय स्टेप आपको हम गाइड कर रहे हैं। उसके बाद ये स्पॉट वेल्डिंग होने के बाद ये शेप आ जाती है, इसके अंदर एमसीबी लगाई जाती है सर। तो ये रेडी है? बिल्कुल ये रेडी हो चुका है सर। तो ये रेडी हो चुका है जिसमें एमसी बॉक्स लगने वाला है। हाँ जी सर, इसके बाद पता क्या होता है? इसके बाद पाउडर कोटिंग होती है, हम आपको पाउडर कोटिंग की तरफ लेके चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर कोई डस्ट पार्टिकल ना आए, तो हम इसको कपड़े से पूरा साफ करा दिया जाता है, ताकि डस्ट पार्टिकल पाउडर कोटिंग जब हम करते हैं इसके ऊपर कोई भी डस्ट पार्टिकल ना आए। दोस्तों यहाँ पे देखिए कोटिंग वाले, यहाँ पे आपको डस्ट पार्टिकल साफ किया जाता है। हाँ जी हाँ जी, आप यहाँ पे काम देख पा रहे हैं, बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी, फिनिशिंग कोई भी इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल ना आए, ताकि डस्ट पार्टिकल होने का पाउडर कोटिंग में कोई कंप्लेंट नहीं आती है, कोई कंप्लेंट ना आए। आइए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके बाद डस्ट पार्टिकल को साफ करने के बाद इसके ऊपर पाउडर किया जा रहा है सर, पाउडर कोटिंग हो रही है सर। दोस्तों आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उस आइटम का यहाँ पर पाउडर कोटिंग होती है। ये देखिए, अब तक का सबसे बड़ा फैक्ट्री है इलेक्ट्रिक आइटम का जो आपको फर्स्ट टाइम देखने मिल रहा है। इस तरह यहाँ पे काम किया
किया जाता है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं सर, ये ओवन है, इसको पाउडर कोटिंग होने के बाद ये ओवन में जाता है, ओवन होने के बाद ये पाउडर कोटिंग में हीट किया जाता है इसको 230 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर। इसमें हाँ जी हाँ जी हाँ जी दोस्तों, इसमें हीट किया जाता है पाउडर कोटिंग को, जो आपने देखा था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसके बाद सर हीट होने के बाद ये यहाँ पे हो जाता है, ये हमारा मटेरियल आता है हीट होने के बाद। तो दोस्तों ये है थर्ड स्टेप, ये पहला स्टेप है कोटिंग का, जाता है मशीन में। हाँ जी, इसको निकल के यहाँ पे हमारा पाउडर कोटिंग हो जाता है, साफ होता है। ये देखिए, तो ये है दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहे हैं। पाउडर कोटिंग के बाद आप यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सैंपल रखे हुए हैं सर। पाउडर कोटिंग होने के बाद क्या हो जाता है, हम इसको यहाँ पे आराम से इसको रख लेते हैं पीस को। देख लीजिए आप देख पा रहे हैं, पाउडर कोटिंग होने के बाद रखा हुआ है सर मटेरियल। एक चीज की यहाँ फिनिशिंग के साथ यहाँ पे रेडी है। फिनिशिंग में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, फर्स्ट का पाउडर कोटिंग लगाते हैं, नेरोलैक का पाउडर यूज करते हैं हम लोग। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं पाउडर कोटिंग होने के बाद वेल फिनिश हो रहा है सर मटेरियल, कहीं से भी आप देख पा रहे हैं किसी एंगल, कोई भी डस्ट पार्टिकल आपको नीचे ऊपर नजर नहीं आएगा सर। तो ये देखिए यहाँ पे सैंपल रखे हुए हैं। तो सर ये तो रहा प्रोसेसिंग, क्या होता है नेक्स्ट, क्या होता है? अब हम आपको असेंबलिंग पॉइंट में लेके जाएंगे, जब हम आपको दिखाएंगे कैसे असेंबल होने के बाद पूरा रेडी हो जाता है एमसी बॉक्स सर। तो पाउडर कोटिंग दिखाने के बाद आ चुके हैं असेंबल पॉइंट में, जहां आपको हम दिखाने वाले हैं एमसीबी बॉक्स जहां पे असेंबल होते हैं। जी सर दिखाइएगा, आइए सर। पाउडर कोटिंग होने के बाद यहां पे हम आपको दिखाएंगे कैसे हम असेंबलिंग होता है एमसी बॉक्स। ओके ठीक है ना सर जी। तो सर ये है असेंबल पॉइंट जहां पे दोस्तों आपको दिखाने वाला है किस तरह यहां पे असेंबल होते हैं। यहां पे देखिए सर, ये हमारा टीपीएन असेंबल हो रहा है जी, ठीक है ना। किस तरह से पाउडर कोटिंग का खास तौर पे ध्यान रखा जाता है, इसमें बिल्कुल भी कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है सर। बिल्कुल सर नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। साइड न्यूट्रल भी इसमें अवेलेबल होता है सर, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये भैया फिट कर रहे हैं एमसी बॉक्स को, okay। और फिट होने के बाद इस तरह से लुक आता है सर एमसी बॉक्स का। ये कुछ इस तरह लुक आने वाला है, एक बार बारीकी से आप लोग ये देख पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यहाँ देख पा रहे हो स्टॉक सबके यहाँ पे अवेलेबल है, जो यहाँ पे सारे मॉडल आप देख पा रहे हो जितने हमारे पास मॉडल होते हैं वो सारे असेंबल होने के बाद फिट होने के बाद यहाँ पे रेडी स्टॉक रहता है सर हमारा। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टीपीएन असेंबल हो रहे हैं, साथ में यहाँ पे कुछ सैंपल रखने वाले। चलिए सर देखिए सर, हमारे पास चार पांच तरह के मॉडल्स होते हैं। ये हमारा व्हाइट लाइन हो गया सर, ये हमारा ओसम मॉडल है, ये हमारा प्रीमियम मॉडल है, ये हमारा मैग्नेटिक मॉडल है। ये सबसे लेटेस्ट डिजाइन जो सर पूरी दिल्ली के अंदर आपको कहीं भी किसी के पास नहीं मिलने वाला है, और घर में जैसे लगने के बाद घर भी बड़ा शानदार नजर आएगा सर। ये वुडन फिनिश में है सर, ये क्या बात है, वुडन फिनिश में आपको बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सर, कहीं भी आपको पूरी दिल्ली की गारंटी अगर हमारा ये प्रोडक्ट आपको मिल जाए तो सर। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे दोस्तों इस तरह के यहाँ पे वैरायटी अवेलेबल है एनसीबी बॉक्स में सर, दिखाने के बाद इससे क्वालिटी। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये देखिए आप, जैसे कि बिल्कुल ये डोर है, ये यहाँ पे मैग्नेट के अंदर यहाँ पे मैग्नेट, ओके जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं इसके अंदर यहाँ पे मैग्नेट लगी हुई है सर। ये देखिए सर, देखिए बिल्कुल, तो कुछ इस तरह ये एमसीबी बॉक्स है प्रॉपर रेडी होने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, ये सैंपल दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको और भी वैरायटी है, ठीक है। तो सब चाहिए किसी को तो सर इसमें बताइए कि कितने पीस की पैकिंग आती है ये सर? मास्टर पैकिंग होता है, सारे साइज की अलग अलग मास्टर पैकिंग होती है। ये सर हमारी 6 वे का है, इसका मास्टर कार्टून 28 पीस का होगा सर। ओके दोस्तों, ये मास्टर कार्टून आपको आने वाला है 28 पीस का, तो आप ये एक एक पार्सल करके वैरायटी बना सकते हैं। दोस्तों फैक्ट्री घुमाने के बाद अब आपको यहाँ पे ले चुके हैं सैंपल ऑफिस में, यहाँ आपको हम दिखाने वाले हैं बहुत सारे सैंपल एनसीबी बॉक्स में। जी सर दिखाइएगा सैंपल। सर देखो, हम जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारे पास 7 तरह के मॉडल्स हैं जो हम एमसी बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है। सारे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल है, सबके डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज हैं जी। इस वाले मॉडल को हमने रॉयल गोल्ड नाम दिया है। इसकी खासियत क्या होती है सर, इसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ है, ये दोनों मैग्नेट लगा हुआ है, मैग्नेट से ही डोर बंद होता है हमारा। ओके ओके ठीक है। देन इसके नीचे हमारा जो बेस है, इसके नीचे यहाँ पे डस्ट गार्ड भी लगा हुआ है, ठीक है। देन ये हमारा ऊपर के नीचे साइड प्लेट भी लगी हुई है, बिल्कुल ये आप देख पा रहे हैं। इसका नाम हमने रॉयल गोल्ड दिया हुआ है। देन ये हमारा प्रीमियम सीरीज का मॉडल है, ये डबल डोर आपको हैवी में भी अवेलेबल मिलेगा और लाइट वेट में भी अवेलेबल मिलेगा सर, ठीक है। देन थर्ड टाइप्स ऑफ मॉडल, ये हमारा हैवल्स मॉडल आता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसको हमने हैवल्स नाम दिया हुआ है, इसको हम हैवल्स मॉडल बोलते हैं। अच्छा ये देखिए, बिल्कुल इनकी अपने फैक्ट्री में बनके आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो स्टॉक सारा मिलने वाला है जिनको, डेफिनेटली सर। उसके बाद ये हमारा फोर्थ टाइप का जो मॉडल है, ये इसको हम व्हाइट लाइन बोलते हैं। ये जैसे कि देख पा रहे हो पुश बटन से ओपन होता है सर ये। अच्छा अच्छा, इसमें लोगों को हमने अच्छा लुक दिया, ऊपर नीचे दोनों तरफ हमने साइड प्लेट लगाई हुई दी है सर। बढ़िया पीस है, आप ये देख पा रहे हैं, डेफिनेटली ठीक है। देन ये हमारा फोर टाइप्स ऑफ मॉडल है, इसको हमने ओसम नाम दिया हुआ है, ओसम मॉडल इसको बोलते हैं हम। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये जो अनब्रेकेबल स्ट्रिप होती है सर, ये कभी टूटने वाली नहीं होती है सर, अनब्रेकेबल होता है सर ये। तो कितने अच्छी क्वालिटी में यहाँ पे बना हुआ है, बिल्कुल 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 देख पा रहे हैं। देन अपना फोर टाइप्स ऑफ मॉडल ये आता है, इसको हमने पेंटा नाम दिया हुआ, पेंटा गोल्ड। ओके पेंटा गोल्ड नाम से ये है। तो यहाँ पे आप देख, डस्ट गार्ड इसमें भी लगा हुआ, डस्ट गार्ड बिल्कुल लगा रहेगा, साइड प्लेट सभी हमारे मटेरियल में लगी मिलेगी आपको सर। बहुत ही बढ़िया,
और सब कुछ इस तरह आने वाला है प्रिंटिंग। देन सबसे बात, ये पूरी दिल्ली के अंदर आपको सिर्फ हमारे पास ही अवेलेबल मिलेगा। ये डिफरेंट टाइप्स की कोटिंग होती है, सिनेरियो बना हुआ है। ओके ओके। देन ऊपर भी इसमें साइड प्लेट लगी हुई है, नीचे भी साइड प्लेट लगी हुई है। बिल्कुल, ये मटेरियल सिर्फ हमारे पास ही अवेलेबल मिलेगा सर आपको। बिल्कुल, तो यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी सर पीछे और भी सैंपल लगे यहाँ पे। ये देखिए सर, ये जिस तरह की कोटिंग है, ये डबल डोर एमसी बॉक्स है सर। ये भी हमारी कोटिंग है एमसी बॉक्स के ऊपर। बाकायदा हमने इसके ऊपर डस्ट गार्ड लगाया हुआ है। अच्छा अच्छा, ये देख सकते हैं आप इसकी पाउडर कोटिंग कितनी बेस्ट क्वालिटी की है सर। आप देख पा रहे हैं ऊपर से, ये देखिए कुछ वुडन में इसका फिनिशिंग दिया हुआ है। और इसके ऊपर भी सर एक खासियत ये है, इसकी यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ है सर। अच्छा, बहुत ही शानदार है। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसके बाद आप देख सकते हैं सर, टू टाइप्स की कोटिंग होती है इसमें। आप ये वुडन टाइप में होती है कोटिंग, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको टीपीएन बोलते हैं सर। ओके। और इसके ऊपर भी मैग्नेट लगा हुआ है सर, ये भी मैग्नेट से ही ओपन होगा सर। देखिए मैग्नेटिक इसमें लगा हुआ है, प्लस आप ओडरिंग का फील आपको मिलने वाला है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सर बात कर ले, वैसे आइडिया एमसी बॉक्स से कहां शुरू होने वाली है? सर और भी हमारे पास दो तीन आइटम है, जैसे कि ये फैन बॉक्स हो गया। अच्छा। ये फैन बॉक्स राउंड में होता है, ठीक है, 450 ग्राम इसका वेट होता है। ठीक है, ये बिहार के अंदर हमारा सारा मटेरियल जाता है, फैन बॉक्स है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देन उसके बाद हम पाउडर कोटिंग मॉड्यूलर बॉक्स की बात कर लेते हैं। ये पाउडर कोटिंग मॉड्यूलर बॉक्स होता है जो हमारी फैक्ट्री के अंदर बनता है। देन उसके बाद ये जीआई शीट में होता है, इसको भी मॉड्यूलर बॉक्स बोलते हैं सर। ठीक है, तो आप देखा था यहाँ पे इनकी फैक्ट्री में बना था, तो स्टार्टिंग में आपको हमने दिखाया है सभी आइटम। बिल्कुल बिल्कुल सर। आपको सैंपल वाइज अभी आपको देखने मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उधर आप देख सकते हैं सर, ये हमारे पास चेंज ओवर होता है, सारे साइज आपको अवेलेबल मिलेंगे। 32 एम्पियर, 63 एम्पियर, 63 एम्पियर, 4 पोल, 100 4 पोल, सारे आपको अवेलेबल मिलेंगे। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेन स्विच की। इसमें अंदर भी आपको सारे साइज मिल जाएंगे, 32 एम्पियर, 63 एम्पियर, 100 एम्पियर, 200 एम्पियर, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी सर, आपको सारी चीज अवेलेबल होती रहेगी सर। तो सर वैसे आइटम तो आपने बहुत से दिखा दिए। बिल्कुल सर। तो सर अब बात आती है प्राइस, आइडिया कहाँ से जाती है? सर हमारा ये सबसे बेसिक मॉडल होता है, ये हमारा 170 रुपीज से स्टार्ट होता है। ओके, 170 रुपीज से स्टार्ट होता है, सबसे बेसिक मॉडल है। ठीक है, उसके बाद हमारा रेंज टू रेंज थोड़ा बढ़ता रहता है हमारी क्वालिटी के ऊपर, जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ती रहेगी मटेरियल की, उसके अकॉर्डिंग हमारा रेट बढ़ता रहता है। बिल्कुल। तो सर बात कर ले वैसे इसकी पैकिंग कितनी आती है, मास्टर पैकिंग? सर मास्टर पैकिंग सब साइज की अलग अलग होती है, जैसे 4 वो की हमारी 28 पीस की मास्टर पैकिंग होती है। ठीक है, वो हमारे डिफर करता है, जैसे अलग अलग हमारे मॉडल है, मॉडल के अकॉर्डिंग हमारी अलग अलग मास्टर कार्टून रहेगी सर। तो सर इसके अलावा आप मतलब क्या आइटम यहाँ पे रखते होता है इसके अलावा? सर हमारे पास एमसी बॉक्स हो गया, मॉड्यूलर बॉक्स हो गया, फैन बॉक्स हो गया, कंसील बॉक्स हो गया, टीपीएन हो गए, चेंज ओवर हो गए, मेन स्विच हो गए, ये सारे आइटम हमारे पास आपको अवेलेबल मिलेंगे सर। साथ में सर ये देखा आपके पास ये क्या है पीछे? ये सर इमर्सन लोड है, ये इमर्सन लोड है, जैसे विंटर आने वाली, विंटर स्टार्ट हो चुकी है सर, ये आपको हर घर की जरूरत है। ये भी आपको सिर्फ फैक्ट्री रेट पे आपको मिलने वाली है इमर्सन लोड, तो आप ये भी अपने ऑर्डर पे मंगा सकते हैं। तो सर बात कर ले वैसे पार्सल जो भी रहेगा। हाँ जी हाँ जी। तो इंडिया आउट इंडिया हर जगह माल भेज दोगे आप? सर ओवर ऑल इंडिया हमारा माल जा रहा है, आप जैसे भी हमारे को ऑर्डर करते हैं हम आपका माल डिस्पैच कर देते हैं सर। बाकी बात करें यहाँ पेमेंट बारे में, यहाँ सीओडी है कि नहीं है? सर पेमेंट की अगर आप बात करते हैं तो कई लोग दिल्ली के अंदर जैसे पेमेंट ले लेते हैं हम लोग, पेमेंट उसका जितना भी आपका ऑर्डर रहेगा उसका 10% पेमेंट हम एडवांस लेते हैं। उसके बाद जब ट्रांसपोर्ट पे आपका माल पहुंच जाता है उसके बाद आप हमारे को पेमेंट कर सकते हैं सर। बहुत बढ़िया है। सर बात करें आइडिया कितने में माल पहुंच जाएगा? सर माल जैसे कि आप आज ऑर्डर देते हैं आपकी पेमेंट आ जाती है, आपका माल डे टू डे आपका डिलीवर हो जाता है सर। देखिए 3-4 दिनों में आपका पार्सल पहुंच जाएगा, तो आप इनको ऑर्डर दे सकते हैं, काफी अच्छी कंपनी है इलेक्ट्रिकल आइटम्स की। तो ये हमारी भैया पैकिंग मशीन है, जैसा कि आप देख पा रहे हो जो हमारा रॉ मटेरियल होता है वो पैक होने के बाद, इस मशीन से पैक होने के बाद हमारे इस तरह का मास्टर कार्टून बन जाता है। दोस्तों ये मशीन है जिससे पार्सल पैक होते हैं, साथ में ये आप देख पा रहे हैं ये है मास्टर पैकिंग एनसीबी बॉक्स का। यस सर, इस तरह से मास्टर पैकिंग आ जाती है, पैक होने के बाद इस तरह से हम स्ट्रॉन्ग पत्ती लग जाती है इसके ऊपर, फिर ये कार्टून बिल्कुल सेफली कस्टमर तक हैंडल हो जाता है। बिल्कुल, तो इस तरह पार्सल आप यहाँ पहुंचने वाला है अपनी दुकान के लिए मंगा सकते हैं, इससे काफी सेफली माल जाने वाला है, सेफली पार्सल पैक होने वाला है। बिल्कुल, और कुछ इस ये मशीन से पैक होता है, और ये आप देख पा रहे हैं एक पार्सल और पैक होने वाला है। तो स्टॉक की भरमार है, जितना मर्जी क्वांटिटी चाहिए आप यहाँ से ऑर्डर करते हैं सीधे फैक्ट्री रेटों पे। थैंक यू सो मच सर इस वीडियो में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो सीधे श्रीमा इंडस्ट्री से पसंद आएगी, तो इसी तरह हम मिलते हैं एक और वीडियो बनाने के साथ। टिल देन बाय।